My hello to all. By this presentation, I will introduce you about elixirs, which are oral liquid that we can intake orally. So we have to know firstly about the definition of the elixirs. So here you can see कि definition के बारे में हम पहले देख लेते हैं. तो आपको पता है कि आपका जो एलिक्सर होता है ये लिक्विड डोसेज फॉर्म है एंड इस डोसेज फॉर्म को हम ओरली इंटेक कर सकते हैं, दैट यू नो. और ये हम ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में आपको शो कर रहे हैं कि इस ईयर इस यूनिट में हम ओरली इंटेक लिक्विड डोसेज फॉर्म की बात करेंगे, जिसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कशन करना मैंडेटरी है. सो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि ये ओरली इंटेक लिक्विड डोसेज फॉर्म है. ये मेनली स्वीट होते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होते हैं, जिन्हें हम एलिक्सर कहते हैं. इट कैन बी डिफाइन एज अ क्लियर स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक. हाइड्रो अल्कोहलिक मतलब जिसमें वाटर एंड इथेनॉल का कॉम्बिनेशन होगा एंड जिसे हम ओरली इंटेक करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, जिसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड द एक्टिव मेडिसिनल एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम, ऐसे प्रिपरेशंस को हम एलिक्सर्स कहते हैं. दे कैन बी प्रिपेयर्ड सिंपल सॉल्यूशन एडमिनिस्टर ऑफ सेवरल इंग्रेडिएंट्स, जिसमें सेवरल इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके आइदर इट इज एक्सीपिएंट्स और एक्टिव मेडिसिनल एजेंट्स को मिक्स करके हम सिंपल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं. तो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन और द डेफिनेशन ऑफ द एलिक्सर. सो नाउ वी हैव टू नो अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिक्सर्स. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एलिक्सर मेनली दो टाइप के होते हैं, आपका एक नॉन मेडिकेटेड एंड द मेडिकेटेड एलिक्सर. So here you can see what are the different types of elixirs. इसके बारे में हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले आपका medicated elixir. Medicated elixir में एक बात याद रखने वाली चीज़ है कि इसमें active ingredient mainly dissolve होता है और active ingredients का use करते हैं. और अगर हम non-medicated elixir की बात करते हैं, जिस उसमें थेरेपेटिक एजेंट्स और द एपीआई और द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते. तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं. तो पहले मेडिकेटेड एलिक्सर को देखते हैं, जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को डिसॉल्व करते हैं वाटर में और एल्कोहल में एंड इसके साथ हम एक्सीपिएंट्स और प्रिजर्वेटिव का यूज करके एक मेथड के थ्रू हम एलिक्सर को प्रिपेयर करते हैं, जो है मेडिकेटेड एलिक्सर. तो एलिक्सर जो मेडिकेटेड होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं एंटी हिस्टामिनिक एलिक्सर, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एलिक्सर एंड द एक्सपेक्टोरेंट्स. और एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं जिनका यूज हम कफ में जब स्प्यूटम आता है, देन इस स्प्यूटम को एक्सपेल करने के लिए जो प्रिपरेशंस बनाते हैं उनको हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं. तो एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी के एलिक्सर्स भी प्रिपरेशंस आते हैं जिनको हम इंटेक कर सकते हैं. नाउ हियर वी कैन सी व्हाट आर नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर. आपको ऑलरेडी बता दिया है कि नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर में थेरेपेटिक एजेंट्स नहीं होते हैं, एपीआई प्रेजेंट नहीं होता है. इसमें सिंपली क्या करते हैं, इट कंटेन अल्कोहल एंड स्वीटनिंग एजेंट्स एंड द कलरिंग एजेंट और ये सेल्फ प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क करते हैं. यूज क्या होता है इनका, मेनली इसका यूज डायल्यूशन में करते हैं. ये एक डाइल्यूटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और इसका सेकेंड यूज है सॉल्वेंट्स फॉर ड्रग. ड्रग को सोलिबलाइज करने के लिए एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं. तो इसके कुछ एग्जांपल है एरोमेटिक एलिक्सर एंड द आइसो अल्कोहलिक एलिक्सर. दिस इज अबाउट द शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट बोथ टाइप ऑफ एलिक्सर्स. सो अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मुलेशन और द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ द एलिक्सर्स. तो इसमें हम देख लेंगे, सबसे पहले इसमें व्हीकल्स का यूज होता है. व्हीकल्स को हम सॉल्वेंट्स भी कहते हैं. तो वेरियस टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स का यूज होता है, देख लेते हैं. वाटर, एल्कोहल, ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल एंड द प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, दीज काइंड ऑफ
मेन इंग्रेडिएंट्स आर यूज एज अ व्हीकल। नेक्स्ट हम एजुएंट्स देख लेते हैं, तो इसमें केमिकल स्टेबलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग एजेंट्स एंड द फ्लेवरिंग एजेंट्स आते हैं। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इनके एग्जाम्पल्स याद करने मस्ट है। तो स्टेबलाइजर में सिट्रिक एसिड, डाइसोडियम इडेट का यूज़ करते हैं। अब प्रिजर्वेटिव्स में आपके आते हैं 20% एल्कोहल का यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, मिथाइल पैराबेन का, प्रोपाइल पैराबेन का यूज़ करते हैं, डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म स्पिरिट बेंजोइक एसिड का यूज़ करते हैं। कलरिंग एजेंट्स में कोल टार डाइस का यूज़ करते हैं एंड द फ्लेवरिंग एजेंट्स में देख लेते हैं ब्लैक करेंट सिरप, रेसबेरी सिरप, लेमन सिरप एंड द ऑरेंज सिरप का यूज़ करके हम एलिक्सर को प्रिपेयर करते हैं। तो दीज आर सम मेन इंग्रेडिएंट्स। So here you can see what are the different methods of preparing elixirs. So first is your simple solution with agitation, and next one is your by the admixture of two or more liquid ingredients. तो इन दोनों मेथड से हम कोई भी एलिक्सर को प्रिपेयर कर सकते हैं इन इंडस्ट्री एंड इन लैब पर्पस ऑल्सो। तो लैब पर्पस के लिए हम सिंपल सॉल्यूशन विद एजिटेशन का यूज करके करेंगे, तो इससे मेनली नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर बनाएंगे सिंपल सॉल्यूशन विद एजिटेशन से, और इससे मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड बोथ बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेथड मेंशन है जो एक सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एलिक्सर का। तो इसमें पहले इसमें देख लेते हैं पॉइंट वाइज कैसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो बीकर लेने हैं। एक बीकर में आपको वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स के साथ वाटर ऐड करके उसमें सिक्रोज ऐड करके इसको आपको कंप्लीट डिसॉल्व करना है। ये फर्स्ट बीकर में हमने काम किया। नेक्स्ट बीकर में क्या करना है, अल्कोहल और उसमें जो अल्कोहल में सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स है उस सेकंड बीकर में हमने उसको मिक्स किया है। तो ये हो गया इसमें अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ अल्कोहल मिक्स करके हमने सेकंड बीकर में उसको रख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एक्वस सॉल्यूशन को ऐड करना है अल्कोहलिक सॉल्यूशन में। तो हम इस एक्वस फर्स्ट स्टेप को सेकंड वाले बीकर में स्लोली स्लोली ऐड करेंगे एंड कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंट स्टिरिंग करते रहेंगे, और इसका एट द एंड मेकअप वॉल्यूम मेकअप करेंगे विद द सॉल्वेंट और द व्हीकल जो हमने इस फॉर्मुलेशन में यूज़ किया है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे फॉर्मुलेशन प्रिपेयर होगा। अब यहाँ पे ये बताया गया सुक्रोज जो होता है इंक्रीज करता है विस्कोसिटी को, बट इससे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी की जो प्रॉपर्टी होती है डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्राइम जो आपका वाटर होता है या जो एक्वस फेस है उसको पहले ऐड करना है, और उसके बाद हमें और एक्वस फेस को हमें अल्कोहलिक सॉल्यूशन में ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या है, क्यों करते हैं, ताकि हाई अल्कोहलिक कंटेंट मेंटेन रहे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। इसलिए हम क्या करते हैं, एक्वस फेस को हम अल्कोहलिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग द अल्कोहलिक कंटेंट इनसाइड द एलिक्सर्स। तो हेयर यू कैन सी आफ्टर दिस यू विल गेट अ क्लियर एलिक्सर सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब आप इस तरीके के प्रोसेस कर लेते हो एट द एंड आपको क्लियर एलिक्सर आपको ऑब्टेन होता है। ठीक है, और अगर सपोज इसमें कोई भी आपको क्लियर क्लियर एलिक्सर या प्रिपरेशन नहीं ऑब्टेन हो रही है, तो उसके लिए इफ़ नेसेसरी है तो हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करते हैं या क्लैरिफाइंग एक्शन की प्रॉपर्टी। सो हेयर यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेंशन किया है जो एलिक्सर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल मेंशन किया है वो एक थियोफाइलिन एलिक्सर की प्रिपरेशन का फॉर्मुलेशन मेंशन है। तो वन साइड आपके इंग्रेडिएंट्स हैं और अनदर साइड आपके ये क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी में हमने इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया है फॉर मेकिंग थियोफाइलिन एलिक्सर। तो ये मैंडेटरी आपको एक फॉर्मूला याद करना।
इसको हम याद कर लेंगे। एंड यू नो कि अगर हमें 30 ml बनाना है तो आपको फॉर्मूले में ऐड कर रख के इस पर्टिकुलर वैल्यूज को आपको फॉर्मूले में रख के 30 ml ऑप्टेन हो जाएगा अगर आप लैब पर्पज पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे लेबल कौन सा मैंडेटरी है आफ्टर प्रिपेयरिंग द एलिक्सर, तो यहाँ पे बहुत सारे लेबल्स रिक्वायर होंगे, उसमें आप एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट्स वगैरह एवरीथिंग लिखते हैं। और अगर हम एक लेबल की बात करें जिसमें आपको कितना आपको कंज्यूम करना है पेशेंट को, तो उसमें ये लिखा है 1 tablespoon टू बी गिवन एट द नाइट, तो 1 tablespoon आपको एट नाइट आपको लेना है एलिक्सर। तो स्टोरेज कंडीशन क्या होनी चाहिए मेनली, तो स्टोरेज में क्या है पर्टिकुलरली, आपको वेल क्लोज्ड एयर टाइट ग्लास कंटेनर में अपने प्रिपरेशन को रखना है स्टोर करने के लिए। उसके बाद उसमें स्क्रू कैप होनी चाहिए, और मेनली हमें कहाँ पे रखना है, कूल प्लेस पे रखना है और प्रोटेक्ट करना है लाइट से। और इसको डिस्पेंस करने के लिए हम नैरो माउथेड बॉटल का यूज़ कर सकते हैं जिसमें स्क्रू कैप लगी हो, और कलरलेस प्लेन बॉटल होनी चाहिए, इट इज़ वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट है, इसको हमें अबव 40 degrees टेम्परेचर से अबव स्टोर नहीं करना है, तो स्टोरेज एरिया का भी ध्यान रखना है। तो दिस इज अबाउट द स्टोरेज एंड लेबल एंड द एग्जाम्पल ऑफ एलिक्सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन हैं एलिक्सर बनाने के, तो इन एलिक्सर बनाने के एग्जाम्पल्स को आपको लर्न करना मस्ट है। एरोमेटिक एलिक्सर, कंपाउंड बेंजल्डिहाइड एलिक्सर, आइसो अल्कोहलिक एलिक्सर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, विच इज़ योर नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर दैट यू हैव टू लर्न। So now here you can see what are the different advantages and the disadvantages of the elixir. तो पहले हम एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एलिक्सर जो होते हैं मोर फ्लूइड होते हैं, ठीक है। अगर हम इनको सिरप से कंपेयर करते हैं तो सिरप लेस फ्लूइड होते हैं, मीन्स सिरप मोर विस्कस होते हैं और एलिक्सर लेस विस्कस होते हैं। एलिक्सर में जो अगर एपीआई का टेस्ट बिटर है तो उस टेस्ट को मास्क करके पेशेंट एक्सेप्टेंस की टेंडेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। एलिक्सर जो होते हैं सिरप के कंपैरिजन में ज़्यादा बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इनकी एलिक्सर्स की ज़्यादा होती है। एंड एलिक्सर में कंटेन बोथ वाटर, एलिक्सर में क्या होता है वाटर एंड अल्कोहल सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। अल्कोहल जो होता है, आपको पता है कि एलिक्सर में अल्कोहल की कंटेंट और द अमाउंट ज़्यादा होता है, और जो कि आपके चिल्ड्रंस के लिए वो सुटेबल नहीं है, इसलिए एलिक्सर प्रिपरेशंस चिल्ड्रंस को बहुत ही कम दिए जाते हैं और चिल्ड्रंस के लिए पेडियाट्रिक प्रिपरेशंस नहीं बनती हैं। एलिक्सर मेनली सिरप्स बनते हैं बिकॉज मेनली इसमें क्या होता है कि वोलेटाइल मटेरियल होता है, तो इसके लिए स्टोर करना इसको बहुत मैंडेटरी है, तो इसको हम स्क्रू टॉप जार वाले कंटेनर में स्टोर करते हैं। तो दिस इज अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। सो हेयर यू कैन सी द व्हाट आर द डिफरेंट इवेलुएशन पैरामीटर्स ऑफ द एलिक्सर्स। तो इवेलुएशन के दो पैरामीटर्स हैं एलिक्सर्स के लिए। तो फर्स्ट इज़ योर डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कोहल कंसेंट्रेशन, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो एल्कोहल की जो कंसेंट्रेशन होता है मेनली स्पेसिफाइड है इंडिविजुअल मोनोग्राफ्स में। मेनली जो एलिक्सर में एल्कोहल का कंटेंट होता है या फिर कंसेंट्रेशन होता है, इट्स अबाउट 5 to 40%। तो इसको हमें एग्जामिन करना बहुत ही मैंडेटरी है। मोस्ट फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स एंड द टिंचर्स एंड द एलिक्सर्स प्रोवाइड्स द कैपेसिटी ऑफ डिस्टिलिंग फ्लास्क। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में हमें क्लियर डिस्टिलेट प्रोड्यूस होता है। अगर मे बी क्लाउडी डिस्टिलेट अगर हमें ऑब्टेन होता है तो उसको क्लियर कर सकते हैं बाय द एजिटेशन विद टैल्क और विद कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद हमें फिल्ट्रेशन करना होगा, देन वी ऑब्टेन अ क्लियर लिक्विड। आफ्टर दिस
जो हमें टेम्परेचर इसमें मेंटेन रखना है और एडजस्ट करना है वो बहुत ही मैंडेटरी है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें जो वोलेटाइल मटेरियल्स होते हैं मे बी वो क्या हो सकते हैं, इवेपोरेट हो सकते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एक प्रिकॉशन लेना पड़ता है ताकि ये ड्यूरिंग प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर ड्यूरिंग द कम्प्लीट प्रोसेस थ्रू आउट जो वोलेटाइल एजेंट्स हैं वो एलिक्सर में मेंटेन रहे, और जो अल्कोहल का कंटेंट होता है उसको डिटरमाइन हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के से ऑब्टेन कर लेते हैं कि कितना अल्कोहल का कंटेंट प्रेजेंट है पर्टिकुलर प्रिपरेशन में। तो दिस इज अबाउट द इवैल्यूएशन बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस। सो बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस वी कैन डिटरमाइन द अल्कोहल कंसेंट्रेशन। सो विस्कोसिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो विस्कोसिटी मेजरमेंट भी मैंडेटरी है लाइक अ सिरप, सेम लाइक एलिक्सर में भी विस्कोसिटी मेजरमेंट करना। यू नो कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो के लिए। तो हम विस्कोसिटी इसलिए मेजरमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी टाइप की क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के लिए। तो विस्कोसिटी एंड द कंसिस्टेंसी जो डायरेक्टली रिलेट करती है स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन से, और इससे इसका क्या हमें विस्कोसिटी से कितनी टाइम के लिए हम प्रिपरेशन को स्टोर कर सकते हैं ये भी इस पे डिपेंड करता है। तो विस्कोसिटी मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारे विस्कोमीटर्स अवेलेबल हो। सो हेयर यू कैन सी द विस्कोमीटर्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द विस्कोसिटी। तो यहाँ पे बहुत सारे विस्कोमीटर्स अवेलेबल है। मेथड वन है आपका यू ट्यूब विस्कोमीटर, कैपिलरी ट्यूब विस्कोमीटर, रोटेटिंग विस्कोमीटर। तो इन तीन मेथड से और इन तीन विस्कोमीटर से आप विस्कोसिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं। फोर्थ मेथड है आपका कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल विस्कोमीटर, कोन प्लेट विस्कोमीटर एंड स्पेंडल विस्कोमीटर। तो दीज आर समथिंग अदर विस्कोमीटर्स बाय विच यू कैन मेजर द विस्कोसिटी। So here I am ending the today's session. I hope you understand. Thank you so much all.